नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कंपनी स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है 10 रुपया फेस वैल्यू से 2 रुपया फेस वैल्यू, मतलब 10:2 में, जैसे आपका शेयर जो है 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास 1000 शेयर है तो आपके पास 5000 शेयर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि शेयर होल्डर के लिए एक तरह से कहे तो ये लॉटरी है, क्योंकि उसका जो शेयर है वो 5 टाइम्स होने जा रहा है। तो दोस्तों ये शेयर है हमारा अब APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। दोस्तों अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड काफ़ी बेहतरीन शेयर्स है, इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को हम जानेंगे। देख लीजिए मार्केट कैप है 9000 करोड़ का, मतलब एक मिड कैप कंपनी है, ये एक मिड कैप कंपनी है और इसका फेस वैल्यू 10 है और ये 10 रुपये फेस वैल्यू को ही स्प्लिट करने जा रही है 2 रुपये फेस वैल्यू में। तो ये आप कॉर्पोरेट एक्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे आप कॉर्पोरेट एक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये पेज खुल जाएगा, देख सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन वाला। इसमें आप जाइए बोनस में, कंपनी बोनस भी दी है 2007 में। स्प्लिट पर क्लिक करते हैं तो देख लीजिए पहली बार स्प्लिट कर रही है 10 रुपये फेस वैल्यू से डायरेक्ट 2 में। इसका शेयर का प्राइस है वो 5 टाइम्स कम हो जाएगा और जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी इसका करेंट प्राइस है 3672 रुपीज, तो लगभग ये 700 समथिंग बचेगा, क्योंकि 5 टाइम्स इसका शेयर प्राइस कम हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर 5 टाइम्स हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन है जो भी शेयर होल्डर्स हैं। और कंपनी डिविडेंड भी हर साल दी है 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 देखते हैं सितंबर मंथ में। अब की बार 2020 में सितंबर मंथ में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, तो ये थोड़ी सी मतलब कहें बेड न्यूज़ है शेयर होल्डर के लिए। लेकिन कंपनी हर साल जो है डिविडेंड भी पे की है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें, कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी ज़बरदस्त है। देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो 1600 करोड़ से सेल्स जो है 2200 करोड़ हो चुका है, प्रॉफिट 59 करोड़ से बढ़कर के 102 करोड़ हो चुका है। तो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न लगातार कॉन्स्टेंट बना हुआ है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। उसके बाद कंपनी का जो बैलेंस शीट है आप उसे भी पढ़ सकते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट भी काफी जबरदस्त है। यहाँ कंपनी के बैलेंस शीट पर चलते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 24 करोड़ का है, मतलब 25 करोड़ के आसपास, और रिजर्व सरप्लस देखते हैं 1426 करोड़ का, जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मतलब कंपनी कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है, जो कि काफी पॉजिटिव साइन है। लॉन्ग टर्म बोर्डिंग 404 करोड़ का है, जो कि देख सकते हैं कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोर्डिंग है इंक्रीज हुआ है, मतलब थोड़ा सा डेट कंपनी के ऊपर इंक्रीज हुआ है, तो डेट बटन जो है कंपनी के ऊपर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो ये भी थोड़ी से निगेटिव साइन है। तो सारे पॉजिटिव और निगेटिव साइन देखना है, लेकिन कुछ खास डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, मात्र 404 करोड़ का है। कैश और कैश इक्विवेलेंट है कंपनी के पास 45 करोड़ का, और जो कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस है ये भी जब यूज करेगा तो कंपनी आपको बोनस शेयर जरूर देगा। रिजर्व और सरप्लस देख सकते हैं, ये कंपनी यूज करेगा तो आपके पास सरप्लस जब कंपनी यूज करेगा तो आपको जो है वो कंपनी बोनस शेयर देगा। तो दोस्तों ये होता है बोनस शेयर का फायदा, जब कंपनी अपना रिजर्व और सरप्लस यूज करता है तो शेयर होल्डर को क्या करती है, बोनस शेयर इश्यू करता है। तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव न्यूज कुछ दिन में आने वाले हो। उसके बाद कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बात करें, यहाँ पर देख लीजिए कंपनी का लॉन्ग टर्म रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त है। एक बार यहाँ पर 2018 में कंपनी में गिरावट आया था, लेकिन 2020 में देखते हैं कंपनी उतनी ही शानदार तेजी दिखाया है। 1100 रुपये का शेयर अभी आप देखते हैं 3680 रुपीज़ पर मिल रहा है, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है, काफ़ी अच्छा मतलब शेयर होल्डर को रिटर्न मिला है। और ये रिटर्न देखिएगा तो 2001 से 2020 तक में दिया है 2500% का। तो दोस्तों जब काफ़ी जबरदस्त है, मतलब हर साल कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रिपल हुआ है, मतलब 3 गुना हो चुका है कंपनी में जो रिटर्न है हर साल ट्रिपल। तो कुल अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते रहते, मतलब अभी 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किए रहते अगर आपने 2011 में, तो अभी आपका रिटर्न जो होता वो 25 लाख से अबव होता। तो दोस्तों काफ़ी रिटर्न 25 लाख होता है, कैपिटल आपका 1 लाख, मतलब 26 लाख समथिंग होता, तो काफ़ी बेहतरीन है। लगभग आपका देख सकते हैं रिटर्न जो है काफ़ी मतलब 25 गुना ज़्यादा हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे बेहतरीन शेयर में जरूर इन्वेस्ट करें, जब भी गिरावट में मिले तो आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है मतलब स्टॉक स्प्लिट का फायदा लेने के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा लेने के लिए। और अपना फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से थोड़ा सलाह जरूर ले लें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।